नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम मिठाई वाला पाठ के अगले चार प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। बच्चों तो पांचवा प्रश्न है, रोहिणी जी को मुरली वाले जी के स्वर से खिलौने वाले जी का स्मरण अर्थात याद क्यों आ गई। तो बच्चों मुरली वाले जी की तरह खिलौने वाले भाई साहब भी मधुर स्वर में गा गा कर खिलौने बेचा करते थे, इसलिए मुरली वाले जी का स्वर सुनकर रोहिणी जी को खिलौने वाले जी का स्मरण हो आया। क्योंकि ये प्रश्न में से पंक्तियाँ नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखी। ठीक है, आप लिख लेना। तो यही उत्तर है, क्योंकि आवाज़ रिजेंबल करती थी, मिलती जुलती थी। छठा प्रश्न है बच्चों कि किसकी बात सुनकर मिठाई वाले भाई साहब भावुक हो गए थे, उन्होंने इन व्यवसायों का अपनाने का क्या कारण बताया। कहते हैं बच्चों, प्यार से अपनत्व से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो यह उत्तर है, रोहिणी जी द्वारा अपनत्वपूर्ण, बड़े अपने ढंग, अपने मतलब जैसे अपने घर वाले होते हैं, अपनत्वपूर्ण ढंग से बातें करने के कारण मिठाई वाले भाई साहब भावुक हो गए थे और उन्होंने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए थे। तो प्रथम क्या था, ये वो बता रहे हैं कि मैं इन व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ, क्योंकि इनके परिवार खत्म हो चुका था ना, उनका परिवार। इन हंसते कूदते उछलते तथा इठलाते बच्चों में मेरे भी बच्चे होंगे, यह उम्मीद थी। शायद उन्होंने पुनः जन्म लिया हो। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है, तृप्ति, मन को शांति मिलती है। इन बच्चों के भोले भाले चेहरों में मुझे अपने बच्चों की भी एक झलक मिल जाती है। बस यही कारण था, जबकि वो धनाढ्य थे, अमीर थे, फिर भी वो ये काम कर रहे थे, क्योंकि परिवार छिन गया था। ये तो वही जान सकता है जिसका परिवार छिना। इसलिए परिवार में रहो, खुश रहो, लड़ो पर प्यार से भी रहो। सातवां प्रश्न, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले भाई साहब जी ने ऐसा क्यों कहा, और जहां प्यार हो पैसे क्यों लेने बेटा। तो बच्चों यह उत्तर है, मिठाई वाले जी के जीवन के विषय में कोई नहीं जानता था। उन्होंने अपनी मार्मिक कहानी, दिल को छू जाने वाली कहानी किसी से नहीं कही थी, लेकिन रोहिणी जी द्वारा अपनेपन से किए गए आग्रह के कारण, आग्रह मतलब रिक्वेस्ट के कारण, मिठाई वाले भाई साहब अपना जो दुख है वो व्यक्त कर देते हैं, बता देते हैं। भावनाओं में बहकर जब आउट ऑफ लिमिट हो जाती है उनकी भावनाएं, तो वो अपने घर परिवार के विषय में सब कुछ कह देते हैं। उसी समय रोहिणी जी के बच्चे आते हैं, तो वह अपने हाथों से उन बच्चों को मिठाई देते हैं। अब उन्हें बच्चे अपने महसूस होते हैं ना, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि इस थोड़े से समय में रोहिणी जी के परिवार से, उस परिवार से उनका कोई आत्मीय संबंध स्थापित हो गया। आत्मीय शब्द आत्मा से बना है, जब आत्माओं का संबंध स्थापित होता है, इसलिए वह मिठाई के पैसे लेने से इनकार कर देते हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ प्यार होता है धन कहाँ होता है। बड़े आगे तो बच्चों आठवां अंतिम प्रश्न, इस कहानी में रोहिणी जी चिक के पीछे से बात करती हैं। चिक मतलब पर्दा प्रथा, या जो वो एक दरवाजे होते थे जिनमें थोड़े बहुत छेद होते थे। तो क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बातें करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? प्रथम भाव में तो आप मेरे ख्याल से यही कहेंगे नहीं सही है, और सही बात है, नहीं सही। तो सर्वप्रथम, हाँ जी, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े इलाकों में औरतें पर्दे या चिक के पीछे से बातें करती हैं अपरिचित पुरुषों, जिनको मतलब जानते नहीं हैं। पुराने समय से ऐसा चला आ रहा है, गांव घर के बुज़ुर्गों से बातें करते समय वे पर्दा कर लेती हैं, मतलब घूंघट निकालना। तो वे ऐसा शर्म, संकोच तथा प्रथा के कारण करती हैं, कि पुराने समय से प्रथाएं चलती आ रही हैं। आगे आपने अपने विचार देने हैं, तो मेरी राय में यह उचित नहीं है। इसका कारण, समाज में स्त्री पुरुष के अधिकार समान हैं। ठीक है, क्योंकि महिला पुरुष क्या है, लिंग अंतर है ना बच्चों, बाकी सब तो वो ये इंसान हैं, तो फिर भेदभाव क्यों? तो मेरी राय में यह प्रथा बिल्कुल भी उचित नहीं। इसका कारण यह है कि समाज में स्त्री पुरुष के अधिकार समान हैं, बराबर हैं, तो पर्दा करके असमानता क्यों पैदा की जाए? कभी आपने गौर किया ऐसे नियम पुरुषों के लिए नहीं बने, है ना? क्योंकि पुरुष कह लो शरीर से बलवान होते, इसलिए उन्होंने नियम बना लिए। तो बच्चों यह उत्तर थे, धन्यवाद। कोई मुश्किल हो तो बताइए।